स्वागत है दोस्तों आपका एबीटेक में। दोस्तों Redmi का नया स्मार्टफोन लिस्ट हो गया है कॉस्मिक पर्पल कलर का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ, साथ ही साथ दोस्तों कुछ और बात करूंगा Redmi के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स अनबॉक्सिंग वगैरह भी आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसी Redmi के कॉस्मिक पर्पल कलर के स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों इसके अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बात करें तो 6.43 इंच की आपको सुपर अमोलेड की डिस्प्ले एंड मीडियाटेक हीलियो G95 का आपको चिपसेट यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का मिला, साथ में 2-2 मेगापिक्सल के दो और फालतू के कैमरे यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके और भी जो स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल सिमिलर सा है Redmi Note 10s से। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करूँ इसके बैटरी वगैरह के बारे में, यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग, स्टीरियो डुअल स्टीरियो स्पीकर और साथ साथ दोस्तों यहाँ पर MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स एंड आपको यहाँ पर Android 11 भी आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी की बात करो तो फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका Redmi Note 10 ही स्मार्टफोन है, बस दोस्तों एक नए कलर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस्मिक पर्पल कलर का। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी Redmi Note 10s जब लॉन्च हुआ था तो ऑलरेडी तीन कलर में ये आया हुआ था, एक सी कलर का था, एक ब्लैक कलर में, एक और कोई व्हाइट कलर का ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर दोस्तों अभी कॉस्मिक पर्पल कलर का एक नया कलर आ रहा है तो इसके लिए एक अलग से लॉन्च इवेंट्स कर दिया गया है, अलग से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए Redmi Note सीरीज में कितने स्मार्टफोन हो गए, Redmi Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Pro Max, अभी ये Redmi Note 10s, Redmi Note 10t, Redmi Note 10s आपका ये कॉस्मिक पर्पल कलर का, साथ ही साथ अभी आने वाले हैं Redmi Note 10 का ये आपका Redmi 10 आएगा, साथ ही साथ एक और आ सकता है लाइक Redmi 9 Power जैसे आया होता है, Redmi 10 Power भी आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना गिमिक करता है यही आपका Redmi। Redmi यहाँ पर अपने Note 10 ही सीरीज में 10,000 से लेकर के 20,000 के रेंज में इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। अब लोग परचेज करें तो करें कौन सा परचेज करें, लोगों के मन में बहुत ही जबरदस्त सा कंफ्यूजन है कि इन सारे स्मार्टफोन में अगर कोई परचेज करने वाला है सिर्फ Redmi का तो कौन सा परचेज करे। यहाँ पर दोस्तों सारी तरह के यहाँ पर आपको वेरियंट्स मिल जाया करेंगे, बस प्रोसेसर का ऊपर नीचे, कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे, डिस्प्ले तो लगभग अभी सुपर ओमलेड दे ही दिया है, उसी में थोड़ा सा कहीं इधर कर दिया, कहीं इधर कर दिया, कहीं पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दिया, कहीं साइड माउंटेड दे दिया, इसी तरह कर करके ढेरों सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया करता है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों Redmi कस्टमर्स के साथ में गेम प्ले करता है, आपको इतने सारे स्मार्टफोन देंगे कि आप कन्फ्यूज हो जाओ कि आपको परचेज कौन सा करना है। और आप कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेज कर लो जो आपके लिए बेहतर ना हो और कुछ ही टाइम बाद आप फिर ऐसा एहसास करो और फिर से एक नया स्मार्टफोन परचेज करो। तो कहें कि ऐसा कुछ माइंड से गेम खेलता है Redmi अपने कस्टमर्स के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों आपके साथ एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि गाइस यहाँ पर Redmi Note 10s स्मार्टफोन जो है वो ऑलरेडी पहले से लॉन्च कर दिया गया है तीन कलर में। यहाँ पर एक जो नया स्मार्टफोन आ रहा है Redmi Note 10s ही है, वो इसका नाम भी यही है, बस एक कलर उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कॉस्मिक पर्पल कलर का, जो कि कुछ अलग सा कलर देखने को मिलता है। और इसकी प्राइस और इसमें जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंसेस नहीं है, वो भी आपको सिमिलर सा मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप अगर फ़ोन परचेज करना है, लाइक आपका बजट 15,000 है, तो आप बस ये सोचो कि आप अगर फ़ोन परचेज करने वाले हो तो आपको किसके लिए फ़ोन परचेज करना है। कैमरा प्रोस्पेक्टिव से परचेज करना है, या फिर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के लिए ही ज़्यादा यूज़ करना है, या फिर आपको बस सोशल मीडिया वगैरह चल जाए, बस ऐसे चल रहा है। और फिर डिसाइड कीजिए कि आपके फ़ोन में अगर ये चीज़ें रहेंगी तो आपका काम चल जाएगा। लाइक अगर कैमरे के लिए ही सिर्फ लेना है तो आप देखिए दोस्तों कि उस बजट में कौन से स्मार्टफोन में ज़्यादा अच्छा कैमरा है। बहुत सारे रिव्यूज वगैरह YouTube पर पड़े रहते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरी भी वीडियो जो मेरे पास फ़ोन आ जाता है उसको भी मैं रिव्यू किया रहता था, तो वो वीडियो आप मेरी भी देख सकते हो। तो वैसे देख करके आप कैमरे को जस्टिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बहुत हैवी बैटरी चाहिए तो आप वो देख लो कि यहाँ पर किस वाले स्मार्टफोन में ज़्यादा पावर की बैटरी है, और साथ साथ अगर आपको फास्ट चार्जिंग भी चाहिए तो वो भी देख लो कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप फ़ोन को परचेज कर सकते हो।
बस दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको किस यूज के लिए अपने फोन को लेना है, देन आप डिसाइड करो कि आपको ये फोन परचेज करना है। सो दोस्तों आई होप आपको बातें समझ में आए होंगी। आपको स्मार्टफोन कंपनीज के गिमिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको देखना है कि आपको कौन सा फोन परचेज करना है और आपके फोन में क्या होना चाहिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।